जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक आज नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर दोस्तों आपके पास ये जो ऑपरेटर आईडी है आयुष्मान कार्ड की ये नहीं है तो भी दोस्तों आप अपने आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। भाई कैसे, आज की इस वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपके पास ऑपरेटर आईडी नहीं है तो भी दोस्तों आप अपने आयुष्मान कार्ड को आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर बैठे बना सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर आना होगा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। पोर्टल का नाम है दोस्तों beneficiary.nhi.gov.in। ये दोस्तों मैंने वेबसाइट को हाईलाइट कर दिया है। आप इस वेबसाइट पर जैसे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, बेनिफिशियरी का, दूसरा मिलेगा ऑपरेटर का। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर ही टिक रहने देना है। इसके बाद आपको अपना जो मोबाइल नंबर है इस वाले बॉक्स में फिल करना है और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक मोबाइल नंबर को जो है फिल कर देता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हम दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों जो हमारे जो भी मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर फिल किया है उस पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा। ओटीपी को सेंड करने के बाद दोस्तों उस ओटीपी को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें बता दिया कि हमारी जो ओटीपी है वो हमने जो भी नंबर यहाँ पर फिल किया है उस पर सेंड कर दी गई है। ओटीपी को हमें इस वाले बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद नीचे आपको मिलेगा कैप्चा, तो कैप्चा आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है और फिर लॉगिन कर लेना है। तो ओटीपी दोस्तों हमारी जो है आ चुकी है, 6 अंकों की ओटीपी दोस्तों आपके यहाँ पर आती है। ओटीपी को दोस्तों आपको फिल कर देना है और फिल करने के बाद आपको इस कैप्चा को फिल करना है, फिर लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इस पोर्टल को जो है जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आगे का जो प्रोसेस है स्क्रीन पर आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जैसे आप पोर्टल में लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी स्टेट है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा पीएमजेवाई स्कीम का पहला ही नाम, तो आपको यहाँ पर पीएमजेवाई सिलेक्ट रहने देना है। एंड इसके बाद आपको मिलेगा जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद आपको मिलेगा चौथा ऑप्शन, इसमें आपको फैमिली आईडी, आधार नंबर, नेम, रूरल अर्बन एरिया, इस तरीके से आप अपने आयुष्मान कार्ड में अपना नाम भी खोज सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप अपने आधार कार्ड से ही अपना नाम जो है सेलेक्ट कर लें। तो आधार कार्ड नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर जो है आधार कार्ड नंबर को फिल कर देता हूँ। दोस्तों आधार कार्ड नंबर को मैंने यहाँ पर जो है फिल कर दिया है। अब मैं सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितने भी लोगों के जो है आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, तो यहाँ पर 5 लोगों के जो आयुष्मान कार्ड हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। बट दोस्तों यहाँ पर 4 लोगों के आयुष्मान कार्ड ही बने हैं, 5वें नंबर का यानी फर्स्ट नंबर का जो व्यक्ति है उसका आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो उसकी eKYC है अनआइडेंटिफाइड दिखाई रही है और यहाँ पर दोस्तों कार्ड का स्टेटस भी नॉट जनरेट आ रहा है। बल्कि दोस्तों जो इनके नीचे के लोग हैं उनके आयुष्मान कार्ड अप्रूव्ड हो चुके हैं, उनके बन चुके हैं और डाउनलोड भी हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, इसका ही बनाना है। तो इसका बनाने के लिए हमें सामने जो eKYC का बटन दिया है इस पर हमें क्लिक करना होगा। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी दोस्तों हमारा आधार कार्ड है उसके जो भी आधार कार्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको वेरीफाई का जो है बटन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो है उसके आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको वेरीफाई करने के तुरंत बाद ही एक OTP को सेंड किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसे टर्म एंड कंडीशन को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपके जो भी आधार कार्ड है उससे रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP यहाँ पर सेंड कर दिया जाए। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है और फिर अथेंटिकेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जो OTP है हमारी यहाँ पर आ चुकी है, OTP को फिल करके हम यहाँ पर अथेंटिकेट वाले बटन पर जो है क्लिक कर देते हैं। OTP फिल करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी सारी डिटेल मिल जाएगी, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जिसकी भी आपको eKYC करना है यानी कि जिसका जो है आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आपको eKYC वाला ऑप्शन मिलेगा। नीचे आधार OTP वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दो ऑप्शन है यहाँ पर, फिंगरप्रिंट और यहाँ पर आइरिस का ऑप्शन। टर्म एंड कंडीशन को दोस्तों आपको यहाँ पर करना है अलाउ। अलाउ करते ही दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अलाउ करेंगे तो आपके जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से उस पर एक OTP को सेंड किया जाएगा। OTP को इस वाले बॉक्स में फिल करना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो OTP को दोस्तों हम यहाँ पर जो है फिल कर देते हैं एंड उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रीन पर पूरा जो प्रोसेस है eKYC का वो आपके स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। दोस्तों जो OTP है हमने यहाँ पर जो है फिल कर दी है। OTP जैसे हमने यहाँ पर फिल किया तो कुछ इस तरीके से एक नया इंटरफेस फिर से ओपन होकर आ जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक आपका यहाँ पर स्क्रीन जो है सर्चिंग करता है आपके डेटा को। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर सारी डिटेल है जो इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मैचिंग स्कोर मिलेगा, आपका फ़ोटो मिलेगा, आपकी डिटेल मिलेगी, ईकेवाईसी की अलग होगी और दोस्तों आपके आधार कार्ड की डिटेल आपको अलग मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको सारी डिटेल को यहाँ से मैच कर लेना है। एक नया फ़ोटो आपको यहाँ पर कैप्चर करना होगा लाइव, क्योंकि आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से कर सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करते ही दोस्तों आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP सेंड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की लास्ट की जो ईयर होती है वो आपको यहाँ पर डालनी होती है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो भी है डिटेल है बारी बारी से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मैंने दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी जिन वजह से यहाँ पर थोड़ा सा है इसे ब्लर कर दिया है। यहाँ पर आपको अपना जो है पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ से अपना जेंडर वगैरह चूज कर लेना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, एरिया और यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपना ग्राम पंचायत सब चूज करने के बाद सबमिट का नीचे एक बटन मिलेगा, सबमिट वाले बटन पर आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करते हैं तो आपकी जो डिटेल है वो जो है ऑनलाइन वेरीफाई के लिए सबमिट हो जाती है और आपकी EKYC सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। तो हम सारी डिटेल को यहाँ पर फिल कर लेते हैं एंड इसके बाद हम सबमिट करके आपको आगे का जो प्रोसेस है स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल है उसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको इससे क्या करना है, दोबारा से दोस्तों आपको इस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी डिटेल को जो है फिल कर चुका हूँ और मैंने यहाँ पर पोर्टल पर दोबारा आ चुका हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ आपको पूरी डिटेल आपको फिर से आधार कार्ड के थ्रू सर्च कर लेनी है और जिसका भी दोस्तों अभी आपने आयुष्मान कार्ड बनाया है उसका यहाँ पर अप्रूव्ड वाला जैसे ऑप्शन मिलेगा तो सामने डाउनलोड वाले कार्ड पर क्लिक करना है। और डाउनलोड वाले कार्ड पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने सारी डिटेल फिर से ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आपको जिसका भी आपने अभी आयुष्मान कार्ड बनाया है उसके दोस्तों टिक करके इसके जो ऊपर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है इस पर टिक करना है और टिक करते ही दोस्तों आपकी जो भी डिटेल है वो नीचे आ जाएगी और आपको डाउनलोड का एक लिंक मिल जाएगा। साइड में आपको डाउनलोड का लिंक मिलेगा और साइड में आपका आयुष्मान कार्ड दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, साइड में आपको डाउनलोड का जो बटन मिल रहा है इस डाउनलोड वाले बटन पर ही आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे ही दोस्तों आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो आयुष्मान कार्ड है आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर दोस्तों कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं और फिर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देता हूं। ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो हमारा आयुष्मान कार्ड है PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। अब इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा जो आयुष्मान कार्ड है यहाँ पर डाउनलोड होकर आ चुका है। दोस्तों आपका जो आयुष्मान कार्ड है कुछ इस तरीके से ही डाउनलोड होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल यहाँ पर चेक कर लेनी है, चेकआउट कर लेनी है कि आपने जो KYC की है वो सही है या फिर गलत है या फिर कोई मिस्टेक हो गई है। नीचे आपको जो है प्रधानमंत्री का लोगो मिल जाएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बाद आपको अपनी डिटेल को वेरीफाई करना है, बार कोड, आवाक ID, PMJAY ID, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपका नाम, सारा कुछ यहाँ पर देख लेना है। आपको लगता है सारा कुछ यहाँ पर सही है तो आपको इसे क्या करना है, PDF को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको नज़दीकी किसी CSC सेंटर पर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपको इसे क्या कर लेना है, प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराने के बाद दोस्तों आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो रेडी हो जाता है 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए। आप कहीं भी किसी भी अस्पताल में जहाँ पर दोस्तों आयुष्मान कार्ड की सर्विस है वहाँ पर आप अपना इलाज करवा सकते हैं 5 लाख तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।